गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग फिजिक्स में आज एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मीन्स अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है या चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसके कारण उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होती है और किस डायरेक्शन में जनरेट होती है, इन सभी चीजों को हम लोग इस यूनिट में बहुत डिटेल में स्टडी। लेकिन आज हम लोग इसी लेक्चर में कुछ मेन मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायो सेवर्ट्स लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए, अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस किसी भी वायर में करंट फ्लो होने के कारण, चार्ज फ्लो होने के कारण उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, उसको जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी खोज किसने की, मींस फादर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन है। तो इस नाम को आप लोग नोट कीजिए, हैंस क्रिस्टन ऑरेस्टेड। इसकी शुरुआत किसने की, हैंस क्रिस्टन ऑरेस्टेड। अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है क्या, अगर हम लोग सोचें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो किसी भी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो किसी भी मैग्नेट के चारों ओर की वो एरिया, चारों ओर का वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को फील करता है, उसे हम, उस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ की वो एरिया जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को फील करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बता सकते हैं, जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल को कहीं पर भी अगर फ्रीली अपने रूम में आप मैग्नेटिक नीडल सिंपल सा समझिए, एक सिंपल सा मैग्नेट है, एक छोटा सा पतला सा मैग्नेट है, उसी को मैग्नेटिक नीडल कहते हैं। अगर उस मैग्नेटिक नीडल को अगर फ्रीली आप अपने रूम में छोड़ दें, लटका दें, अगर आप मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली छोड़ दें, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरती है। लेकिन अगर उसी को किसी मैग्नेट के पास आप ले जाएंगे, उसी मैग्नेटिक नीडल को किसी मैग्नेट के पास ले जाते हैं, तो मैग्नेट के पास ले जाने से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये डिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये मैग्नेटिक नीडल जो है अपनी पोजिशन से जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्यों डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या, इस पर फोर्स लग रहा है या इस पर टॉर्क लग रहा है। अगर इस पर फोर्स लग रहा होता लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड जाती, राइट साइड में लग रहा होता तो राइट साइड जाती, ऊपर लग रहा होता तो ये मैग्नेटिक नीडल ऊपर की तरफ जाती या नीचे की तरफ जाती, इस तरीके से होता। तो इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, पर ये किसी भी डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रही है, मीन्स इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर टॉर्क लग रहा है। ये अपनी पोजिशन से घूम जा रही है, डिफ्लेक्ट कर जा रही है, मींस इस पर एक टॉर्क लग रहा है, इस पर एक बलाघून लग रहा है। मींस मैग्नेटिक फील्ड है क्या, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी मैग्नेटिक नीडल रख दी जाए तो वो घूम करके एक फिक्स डायरेक्शन में ही रुकती है, एक फिक्स डायरेक्शन में रुकती है। मींस किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ की वो एरिया जिसमें कोई भी मैग्नेटिक नीडल एक टॉर्क को फील करती है, बलाघूर्ण को फील करती है, अनुभव करती है, जिसके कारण वो घूम करके एक निश्चित डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में ही रुकती है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह घूम कर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। द एरिया अराउंड द मैग्नेट The area around the magnet in which a torque is applied, a magnetic needle due to which it rotate and stop in a fixed direction is called magnetic field. Magnetic field is a vector quantity. Magnetic field is a vector quantity. तो अगर ये vector quantity है
तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये पता लगाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल लीजिए और मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, फ्रीली छोड़ दीजिए, और अगर उस मैग्नेटिक निडल को आप सतर्कतापूर्वक लटका देंगे तो वो जिस भी डायरेक्शन में रुकती है उस डायरेक्शन से उसके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक एरो ड्रॉ कीजिए, एक एरो खींच दीजिए, एक लाइन बना दीजिए, वो लाइन वो एरो ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे यहां पर एक मैग्नेटिक निडल है, एक मैग्नेटिक निडल है, मान लीजिए ये इस तरीके से सुंदरतापूर्वक लटकाई गई है और ये इस तरीके से आकर के सस्पेंड हो गई है, रुक गई है, तो अब इसके साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ एक एरो बना दीजिए और यही एरो ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। आप लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते थे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। ओके, अब ये है कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कैसे किया जा सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने का सबसे नंबर वन सबसे सिंपल तरीका है, हमारे पास होना चाहिए परमानेंट मैग्नेट, अस्थाई चुंबक। आपको एक चुंबक ले आकर के दे दिया जाए तो अगर चुंबक आपके पास है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, जनरेट हो जाएगी। तो पहला है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा है करंट कैरिंग कंडक्टर, मींस अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई आपके पास वायर है, कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये इसके बारे में हम लोग आज ही पढ़ेंगे, आज ही हम लोग पढ़ने वाले हैं और आगे के लेक्चर में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मतलब अगर कोई चालक है जो कि वृत्ताकार है, सर्कुलर लूप है, और उस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रही है तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है, कितनी जनरेट होती है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड भी हम लोग दो तीन लेक्चर के बाद सोलेनॉइड भी परिनालिका भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मूविंग चार्जेस मीन्स करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, सेम उसी तरीके से करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो होने के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इसको हम लोग आज ही के लेक्चर में देखेंगे। क्लियर, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओके, नोट कीजिए।